Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 10, science second, lesson number 5, ऊर्जा की दिशा में। हम लोग part 2 करने वाले हैं। इसके पहले हमने part 1 किया है। part 1 का description box में आपको link मिल जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस channel को subscribe नहीं किया तो please subscribe और channel like कीजिए और अपने friends के साथ share। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग ये परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र की रूपरेखा देख लेते हैं। तो इसके जस्ट पहले हमने क्या देखा कि कोयला वाला ईंधन का उपयोग हम लोग उष्मीय ऊर्जा में कर हम लोग टरबाइन की सहायता से जनित्र में डाल करके उसको विद्युत निर्माण करते थे। तो यहाँ पे सब चीज सेम है। ये पार्ट जो है यहाँ के इस साइड का देखा जाएगा तो सब चीज सेम है, सिर्फ यहाँ पे जो कोयला का हम इस्तेमाल करते थे ना उष्मा ऊर्जा के लिए, कोयले के जगह पे क्या इस्तेमाल करना है अब परमाणु भट्टी का उपयोग। देखो ध्यान से, तो हम लोग क्या करते थे कि कोयले का उपयोग करके पानी की भाप बनती थी और पानी का भाप से जो है हमारा टरबाइन चलता था और टरबाइन से जनित्र चलता था और जनित्र से ही विद्युत पैदा होती ना। तो अब मुख्य बात यह आ जाती, तो चलो ठीक है, यहाँ से ये तो पुराना वाला ही है, मतलब जो उष्मा से हम लोग करते थे वही है। अब यहाँ पे आ गया है परमाणु भट्टी से, तो परमाणु भट्टी में एक चीज और, सिर्फ एक ही चीज इसमें जुड़ा हुआ है कि ये परमाणु भट्टी ये जो जुड़ा हुआ है वही है। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ठंडा पानी है। ठंडा पानी यहाँ पे है, ये जो ये पार्ट में है ये क्या है, ठंडा पानी है। ठंडा पानी कहाँ से आएगा, ठंडा पानी अपना ये जो टरबाइन है, टरबाइन में भाप जाएगा तो ही भाप टरबाइन घूमेगा और वहां से जो पानी रिसाव होकर के फिर यहाँ पे जमा होगा पानी। पानी फिर यहाँ से ऐसे जा करके नियंत्रक नलिका में इस तरीके से जाने के बाद में यहाँ पे टरबाइन ये परमाणु भट्टी में जब जाएगा तो वहां पे क्या होगा, गर्म होगा पानी। पानी गर्म होने के बाद में ये यहाँ पे आकर के वाष्प बनाएगा, भाप बनाएगा और भाप बनाने के बाद में पानी की भाप जो है यहाँ पे आएगी, यहाँ से क्या चलेगा, टरबाइन चलेगा और जब टरबाइन चलेगा तो जनित्र जनरेटर का इस्तेमाल करके लाइट का निर्माण होगा और जो भी भाप जो है आपका रूपांतरण जो पानी में होगा वो पानी यहाँ पे फिर से आकर के फिर से यही प्रोसेस चलेगा। तो हम लोगों ने जिस तरीके से कोयले के उष्मा का उपयोग करके विद्युत जनित्र से हम लोग ने विद्युत निर्माण किया, अब हमको क्या सीखना है परमाणु भट्टी का इस्तेमाल करके कैसा है। यहाँ पे देखो इस चीज, यहाँ पे भी देखो, भाप पर चलने वाला टरबाइन उसमें भी था, जनित्र था, विद्युत ऊर्जा था और भाप पर चलने वाला टरबाइन से ये भाप का रूपांतरण पुनः पानी में किया गया था और ये पानी से निर्मित होने वाली यंत्र रचना था। अब इसमें जो एक्स्ट्रा क्या जुड़ा हुआ है, वहां पे कोयले से उष्मा ऊर्जा निर्माण हो रहा था, यहाँ पे परमाणु विखंडन भट्टी से हो रहा था और इसमें परमाणु विखंडन के लिए जो परमाणु भट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें हम कौन से ईंधन का इस्तेमाल करेंगे, जिससे वहां पे कोयले का इस्तेमाल करते थे यहाँ पे क्या करेंगे, यूरेनियम और प्लूटोनियम का इस्तेमाल यहाँ पे हम करते हैं। परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मित केंद्र, मतलब परमाणु ऊर्जा से किस तरीके से हम लोग विद्युत ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत ऊर्जा निर्मित केंद्र में भी जनित्र घुमाने के लिए भाप पर चलने वाले टरबाइन का ही उपयोग किया जाता है, मतलब जो इसमें भी है ये इसको भी जनित्र चलने के लिए किसका उपयोग करना किया जाएगा, भाप पर चलने वाले टरबाइन का उपयोग किया जाएगा। लेकिन यहाँ यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे परमाणुओं का विखंडन से निर्माण होने वाली उष्मा ऊर्जा का उपयोग, मतलब जो यूरेनियम है और प्लूटोनियम है इसका उष्मा ऊर्जा का उपयोग करके पानी से उच्च तापमान की, मतलब पानी का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है और दाब की वाष्प निर्माण करने के लिए किया जाता है। इस वाष्प की शक्ति से टर्बाइन घूमता है, भाप की शक्ति से क्या होता है टरबाइन घूमता है, जिससे जनित्र घूम करके विद्युत निर्माण करता है और जनित्र क्या करता है गोल गोल घूम करके, जनरेटर गोल गोल घूम करके वो क्या करता है विद्युत ऊर्जा का निर्माण करता है। परमाणु विद्युत केंद्र की रचना निम्न प्रकार से दिखाई गई है। यहाँ पे देखो यही चीज है, परमाणु विखंडन के लिए परमाणु भट्टी, परमाणु भट्टी किससे चलेगा यूरेनियम और प्लूटोनियम से चलेगा, फिर उससे क्या होगा परमाणु भट्टी से वहां पे उष्मा निर्माण होगी। तो पानी से वाष्प की निर्मिति के लिए यंत्र संरचना, मतलब यहाँ पे पानी से वाष्प बनने के लिए जो बॉयलर वगैरह है वो लगेगा, फिर वहां से भाप पर चलने वाला टर्बाइन लगेगा और टर्बाइन का जो पानी है यहाँ पे आकर के फिर से जो भी भाप से पानी जो बना हुआ है वो फिर से जाकर के आप भाप बनेगा और यहाँ पे जनित्र का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा का निर्माण करेगा। यहाँ पे देखो
अर्थात यहाँ परमाणु ऊर्जा का रूपांतरण प्रथम उष्मीय ऊर्जा में, मतलब परमाणु ऊर्जा का रूपांतरण किसमें हो रहा है, उष्मीय ऊर्जा में हो रहा है, और उष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है वाष्प की गतिज ऊर्जा में हो रहा है, और वाष्प की गतिज ऊर्जा का रूपांतरण टर्बाइन व जनित्र की गतिज ऊर्जा में, और अंत में जनित्र की गतिज ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में हो रहा है। तो ये जो स्टेप है वो याद रखना कि परमाणु ऊर्जा का रूपांतरण किसमें हो रहा है, उष्मीय ऊर्जा में, उष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है वाष्प की गतिज ऊर्जा में, वाष्प की गतिज ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है टर्बाइन की गतिज ऊर्जा में, और टर्बाइन की गतिज ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है विद्युत ऊर्जा में। तो ये लोग यहाँ पे 1, 2, 3 इसके पहले वाले में दिया गया था उष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण कोयले वाला, उसमें के हिसाब से दिया गया है, सिर्फ इतना तुमको जोड़ना है परमाणु ऊर्जा जोड़ना है। क्रमशः होने वाले ऊर्जा के इस रूपांतरण को निम्नलिखित प्रवाह आकृति द्वारा दर्शाया, परमाणु विखंडन की प्रक्रिया कैसे होती है। यहाँ पर चलो ठीक है, हम यूरेनियम और प्लूटोनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसमें से उष्मा कैसे निकलेगी। यूरेनियम 235 इस परमाणु पर न्यूट्रॉन का प्रहार करने पर उसका रूपांतरण यूरेनियम 236 हो जाता है। तो जो यूरेनियम 235 है इसमें अगर हम न्यूट्रॉन डालेंगे तो वो क्या बनेगा, यूरेनियम 236। इस समस्थानिक में होता है यूरेनियम 236 जो है अत्यंत स्थिर होने के कारण उसका बेरियम और क्रिप्टॉन में विखंडन होकर के 3 न्यूट्रॉन और 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस अभिक्रिया में निर्मित हुए 3 न्यूट्रॉन इसी प्रकार से 3 यूरेनियम 235 परमाणु का विखंडन करके ऊर्जा मुक्त करती है, मतलब यहाँ से ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया में निर्मित हुए न्यूट्रॉन भी यूरेनियम के अन्य परमाणुओं का विखंडन करते हैं। तो यूरेनियम का और भी जितने भी परमाणु रहेंगे सबका ये विखंडन करके उसमें से ऊर्जा मुक्त करता है, एनर्जी लाता है। इस प्रकार परमाणु विखंडन की यह श्रृंखला प्रक्रिया चलती रहती है और परमाणु ऊर्जा केंद्र में श्रृंखला प्रक्रिया नियंत्रित पद्धति से की जाती है। निर्माण होने वाली उष्मीय ऊर्जा की सहायता से विद्युत की निर्मित की जाती है। देखिए यहाँ पे दिया गया है ये 200 मिलियन वोल्ट है, 200 मिलियन वोल्ट है, 200 मिलियन इलेक्ट्रिकल वोल्ट है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे यूरेनियम है, ये भाग क्या है, ये यूरेनियम है, और ये क्या है, न्यूट्रॉन है, ये मिलता है। तो ये क्या बनता है, यूरेनियम 236 बना, 236 के बाद में यहाँ पे बेरियम बनेगा, क्रिप्टॉन बनेगा, और ये क्या करेगा, इसको 200 मिलियन इलेक्ट्रिक वोल्ट को ये पैदा करेगा। इसको क्या बोला जाएगा, केंद्रकीय विखंडन श्रृंखला। अभी परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र में कोयले जैसे खनिज ईंधन का उपयोग नहीं होता। देखो इसके पहले वाले में क्या था कि कोयले का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन यहाँ पे विद्युत निर्मित केंद्र में परमाणु से अगर करना है विद्युत निर्मित केंद्र तो कोयले का उपयोग नहीं किया जाता, अतः वायु प्रदूषण जैसी समस्या उत्पन्न नहीं होती। हम लोग कोयले वाले में कर रहे थे तो क्या होता था, वायु प्रदूषण हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है, वायु प्रदूषण नहीं होती। इसके अलावा परिपूर्ण परमाणु ईंधन उपलब्ध हो तो परमाणु ऊर्जा की निर्मित यह एक अच्छा ऊर्जा स्रोत है। कोयले के हिसाब से देखा जाएगा तो ये जो है ये एक अच्छा ऊर्जा स्रोत है, परंतु परमाणु विद्युत ऊर्जा निर्माण करने में भी कुछ समस्या है। कोयले के हिसाब से ये सही है, लेकिन इसमें भी कुछ समस्या है। इसकी समस्या क्या है, परमाणु ऊर्जा निर्मित केंद्र में परमाणविक ईंधन के रूप में परमाणु विखंडन के पश्चात तैयार होने वाले पदार्थ में से भी हानिकारक परमाणविक किरणें बाहर आ निकलती। इसका मतलब ये हो गया कि कोयले का इस्तेमाल करते थे तो हमारा वायु प्रदूषण हो रहा था, जल प्रदूषण हो रहा था, लेकिन अगर उसके हिसाब से देखा जाएगा तो परमाणु ईंधन से हमारा जो विद्युत निर्माण का काम है वो अच्छा है, बट उसमें भी परमाणविक किरणें निकलती हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक होती हैं। ऐसे पदार्थ परमाणविक कचरे का निष्कासन कैसे किया जाए यह वैज्ञानिकों के समक्ष एक जटिल प्रश्न है। मतलब ये जो परमाणु किरणें हैं, परमाणविक किरणें हैं, इसका निपटारा किया जाए, निष्कासन किया जाए, ये एक जटिल प्रश्न है। परमाणु ऊर्जा निर्मित केंद्र में दुर्घटना घटित होने पर बाहर निकलने वाले परमाणविक विकिरण से बहुत बड़े पैमाने पर जीवित हानि होती है। मतलब यहाँ पे अगर परमाणु विखंडन होता है, परमाणविक कचरे जब निकलते हैं, परमाणु के जो कचरे हैं वो अगर बाहर आता है तो परमाणविक विकिरण से, मतलब परमाणु किरण से वो क्या होता है, बहुत जीवन को हानि होती है। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले कोयले से हम लोग विद्युत निर्माण किए, जब कोयले से विद्युत निर्माण किया तो उसमें भी कुछ समस्याएं थी, ठीक है, उसमें भी जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण हो रहा था। उसके बाद हमने पढ़ा कि परमाणु से भी हम विद्युत का निर्माण कर सकते हैं,
तो परमाणु से जो विद्युत का निर्माण कर रहे हैं, तो कोयले की अपेक्षा देखा गया कि ये जो है ये अच्छा ऊर्जा स्रोत है, बट इसमें भी कुछ समस्याएं हैं। इसमें क्या समस्या है कि जो परमाणु विखंडन के बाद में जो परमाणु कचरा निकलता है, जो परमाणु किरणें निकलती हैं, रेज निकलती हैं, उससे भी बहुत सारे जीवन की हानि होती है। अब हम लोग देखते हैं प्राकृतिक गैस ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्र, मतलब प्रकृति में जो गैस मिलता है उससे हम लोग किस तरीके से विद्युत केंद्र निकाल सकते हैं या विद्युत ऊर्जा निकालेगा। विद्युत ऊर्जा निकल रही है, ठीक है, यहाँ पे जनरेटर लगा है, ठीक है, और यहाँ पे टरबाइन है, ठीक है, लेकिन ये किस पे चलने वाला टरबाइन है? वायु पर चलने वाला टरबाइन है। यहाँ से थोड़ा सा ये वाला पॉइंट अभी चेंज हो गया। इसके पहले वाले में क्या था? भाप पर चलने वाला टरबाइन था, ये क्या है? वायु पर चलने वाला टरबाइन है। यहाँ तक क्लियर हुआ? और ये दोनों तो सही है। तो अब यहाँ पे देखो, जो वायु पर चलने वाला टरबाइन है वो किससे चलेगा? ज्वलन कक्ष। ज्वलन कक्ष मतलब अगर कोई चीज जलता है उसके बाद में वहां से हवा निकलेगा तभी जाकर के वो टरबाइन को चलाने का काम करेगा। और ये क्या है? उच्च दाब की हवा के लिए कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है? उसको कंप्रेस करने का काम करता है, उसको दबाने का काम करता है। और नैसर्गिक वायु जो हमारे प्रकृति से वायु मिलती है वो यहाँ पर जाती है और यहाँ पे कंप्रेसर जाता है और यहाँ पे ज्वलन कक्ष निर्माण होता है। ये क्या है? ये एयर कंप्रेसर है। एयर कंप्रेसर से जो है ये पहले टरबाइन में जाएगा, टरबाइन में जाने के बाद में जनित्र में जाएगा और फिर यहाँ से लाइट का निर्माण होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये क्या है? एयर कंप्रेसर है। यहाँ से एयर आएगा, यहाँ से क्या आएगा? एयर आएगा, एयर कंप्रेसर में जाएगा, फिर ये जाकर के कहाँ पे जाएगा? टरबाइन में जाएगा। टरबाइन यहाँ पे घूमेगा, उससे फिर यहाँ पे जनित्र से लाइट उत्पन्न होगी या विद्युत उत्पन्न होगी, तो ये बाहर। इसमें प्राकृतिक गैस के ज्वलन से निर्माण होने वाले उच्च तापमान और दाब के वायु से घूमने वाले टरबाइन का उपयोग किया जाता है। टरबाइन का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो उच्च तापमान और दाब से वायु से चलने वाली जो टरबाइन होता है उसका उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैसीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्र की रचना निम्न प्रकार से दर्शाई जा सकती है, इस तरीके से ये दर्शाया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं, प्राकृतिक गैस ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्र मुख्यतः तीन भाग एकत्रित है। कितने भाग है? तीन भाग है। कंप्रेसर की सहायता से ज्वलन कक्ष में उच्च दाब की हवा प्रवाहित की जाती है। कंप्रेसर से क्या होता है? जो भी वहां की हवा है उसको कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है। वहां प्राकृतिक गैस और हवा एकत्र आकर के उनका ज्वलन किया जाता है, मतलब प्राकृतिक गैस और कंप्रेसर आकर के यहाँ पे क्या करता है? ज्वलन करता है, जलाता है उसको। इस कक्षा में आने वाली अति उच्च दाब और तापमान की वायु टरबाइन के पातों को घुमाती है, मतलब उच्च दाब जो है और तापमान की जो वायु है, जो हवा है, वो क्या करता है? टरबाइन के पत्तियों को घुमाती है, गोल गोल घुमाती है। टरबाइन इस जुड़े हुए जनित्र को घूमने से विद्युत निर्मिति होती है, मतलब टरबाइन से जुड़े हुए जो जनित्र है, जनरेटर के घूमने से वहां पे विद्युत का निर्माण होता है। प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत निर्मिति केंद्र क्रमशः होने वाले ऊर्जा के रूपांतरण को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। इसमें क्या है? इस तरीके से इसको दर्शाया जाता है। क्या है? पहले प्राकृतिक गैस की रासायनिक ऊर्जा, मतलब तो प्राकृतिक गैस की जो भी केमिकल लगता है, रासायनिक ऊर्जा लगती है वो, फिर उससे क्या निर्माण होगा? प्राकृतिक गैस के ज्वलन से निर्मित हुई गतिज ऊर्जा। प्राकृतिक गैस के जो जलने से उसमें कौन सी गतिज ऊर्जा निर्माण होती हुई है? फिर वो जब निर्माण होगी तो वो कहाँ पे जाएगी? टरबाइन की गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होगा, और जब टरबाइन की गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होगा उसके बाद में जनित्र का इस्तेमाल करके वो विद्युत ऊर्जा का निर्माण करते हैं। यहाँ पे देखो, इस चीज को यहाँ पे ध्यान से देखना, ये क्या है? ये हवा है। ये क्या है? कंप्रेसर। कंप्रेसर है और यहाँ से ईंधन जा रहा है। यहाँ पे क्या है? कंप्रेसर से हवा जाएगा ज्वलन कक्ष में, ज्वलन कक्ष से जाएगा गैसी टरबाइन में, और गैसी टरबाइन से वो क्या आ जाएगा? जनित्र में जाएगा, और जनित्र से विद्युत निर्माण होगा, और यहाँ पे गैसी टरबाइन से यहाँ से वो बाहर पड़ने वाले गर्म गैस, जो इतने भी गर्म गैस रहेगा वो बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखो, कोयले पर चलने वाले विद्युत निर्मित केंद्र की अपेक्षा प्राकृतिक गैस पर चलने वाले विद्युत निर्मित केंद्र कार्य क्षमता अधिक होती है। मतलब तो जैसा हमने इसके पार्ट वन में हमने जो देखा था कि विद्युत निर्मित केंद्र के लिए हम लोग कोयले का इस्तेमाल करते थे,
हाँ, तो कोयले के हिसाब से देखा जाएगा तो ये प्राकृतिक गैस वाला हमारे लिए काफी अच्छा है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस में सल्फर नहीं होता। प्राकृतिक गैस में क्या नहीं होता है? सल्फर नहीं होता। गैस के जलने से प्रदूषण भी कम होता, मतलब प्रदूषण होता है लेकिन कम होता है। प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र की रूपरेखा नीचे दी गई आकृति 5.14 में दर्शाई है। मतलब ये जो आकृति है, ये जो आकृति है, यहाँ पे ये सवाल आता है कौन सी विद्युत निर्मित प्रक्रिया पर्यावरण स्नेही है और कौन सी नहीं। भारत के कुछ प्रमुख प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र और उनकी निर्मित क्षमता, मतलब भारत में और कहाँ और कौन से राज्य हैं, उसके कौन से स्थान पर कितना प्राकृतिक गैस से विद्युत निर्माण किया जा रहा है। तो आंध्र प्रदेश के समरल कोटा से होता है 2620 मेगावाट, महाराष्ट्र के अंजन वेल से होता है 2220, दिल्ली के बवाना से होता है 1500, आंध्र प्रदेश के कोंडाल पल्ली से होता है 1406। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं विद्युत निर्मित प्रकृति व पर्यावरण, मतलब जो हम लोग ने अभी तक कोयला, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, इससे जो हम लोग ने देखा उसका पर्यावरण पे क्या इफेक्ट पड़ता है या क्या सही है क्या गलत है वो सब देखेंगे। कोयला, प्राकृतिक गैस जैसे खनिज ईंधन या यूरेनियम तथा प्लूटोनियम जैसे परमाणु ईंधनों का उपयोग करके की गई विद्युत निर्मित पर्यावरण स्नेही नहीं है। मतलब इसमें से जितने भी हैं, अभी हमने कोयला वाला देखा, प्राकृतिक गैस वाला देखा और यूरेनियम वाला देखा, ये सब में ये पर्यावरण स्नेही नहीं है। मतलब पर्यावरण के लिए ये सारी चीजें घातक ही हैं। अर्थात इन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके विद्युत निर्मित करने से इनके उपयोग के कारण पर्यावरण पर दुष्परिणाम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्या दिया गया है, कोयला, प्राकृतिक गैस, इनके जैसे अनेक खनिज ईंधनों के ज्वलन से कुछ घटकों के गैसों की और कणों की निर्मिति होकर के वे हवा में मिल जाते हैं। मतलब कोयला है, प्राकृतिक गैस है, इसमें से कुछ घटक, वो गैस की जो कोई घटक है, जो हवा की घटक है, उसमें वायु में मिलती है, हमारा वायु प्रदूषण करती है, इससे हवा प्रदूषण होता है। मतलब वायु प्रदूषण होता है ये हमें ज्ञात है, ये हमने वायु प्रदूषण तो बहुत पहले। ईंधन के अपूर्ण ज्वलन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित होती है। अगर ईंधन पूरी तरीके से नहीं जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है जिसका हमारे स्वास्थ्य पर दुष्परिणाम होता है। ईंधन के ज्वलन से निर्माण होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ने से पर्यावरण पर दुष्परिणाम होता है। मतलब ईंधन का जो जलता है तो उससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अगर पूरी तरीके से नहीं जलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, और पूरी तरीके से जल गया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। दो का दोनों का हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है। वैश्विक तापमान वृद्धि का यह एक उदाहरण है। जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है उसका एक ये उदाहरण है कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा निर्माण हो रहा है। पेट्रोल, डीजल, कोयला, इनके ज्वलन से निर्माण होने वाली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा, एसिड रेन जैसे परिणाम दिखाई देते हैं। जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण ज्वलन से निर्माण होने वाले धुएं के कण हवा को प्रदूषित करते हैं। मतलब जो जीवाश्म है उससे भी हवा जो है हमारी प्रदूषित होती है, जिससे दमा जैसे श्वसन संस्थान के विकार होते हैं। दूसरा इसका क्या दिया है, कोयला, खनिज तेल, पेट्रोल, डीजल आदि और प्राकृतिक गैस में एलपीजी और सीएनजी, ये सभी जीवाश्म ईंधन निर्मित होने के लिए लाखों वर्ष लगते हैं। जैसे कोयला हो गया, खनिज हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया, प्राकृतिक गैस में एलपीजी, एलपीजी जो हमारे घर में यूज होता है, और सीएनजी जो ऑटो रिक्शा या बाइक ये कार वगैरह में डाला जाता है, तो सीएनजी जो है निर्माण होने में लाखों वर्ष लगते हैं। इसके अलावा भूगर्भ में उनके भंडार सीमित है। ये क्या है, भूगर्भ में जो जमीन में इसके भंडार जो है सीमित है। ऐसा कहा जाता है कि जिस गति से हम इन ईंधनों के भंडार का उपयोग कर रहे हैं, जिस स्पीड से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उस गति से कोयले का वैश्विक भंडार अगले 200 वर्षों में और प्राकृतिक गैसों का भंडार 200 से 300 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। अगर जिस स्पीड से हम लाइट बनाने का काम कर रहे हैं तो आगे आने वाले 200 सालों में पूरा कोयला खत्म हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड का कोयला खत्म हो जाएगा, और 200 से 300 वर्षों में गैस का भंडार पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा के उपयोग से बनने वाला परमाणु कचरे का निस्तारण करने की समस्या, जो परमाणु ऊर्जा का हम लोग इस्तेमाल करके विद्युत बनाना जो सीखा,
उसमें जो परमाणविक कचरे निकलते हैं उसको बाहर कहाँ पे फेंका जाए, निष्कासित किस तरीके से किया जाए उसकी समस्या है, दुर्घटनाओं से होने वाली संभावित हानि की संभावना इत्यादि खतरों की चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं, मतलब हमने इसके पहले भी पढ़ा। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि खनिज ईंधनों से या परमाणु ऊर्जा से प्राप्त होने वाली विद्युत ऊर्जा पर्यावरण स्नेही नहीं है, पर्यावरण के लिए लाभदायक नहीं है, बल्कि पर्यावरण को ये नुकसान पहुंचाती है। अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा कि कोयले से हम लोग विद्युत निर्माण कर रहे हैं, कोयले से करने की अपेक्षा हम परमाणविक ऊर्जा से करते हैं, और जब परमाणविक ऊर्जा जो है कोयले से ठीक है, कोयले से अच्छा है, लेकिन उसमें भी हमको नुकसान पहुंचता है, और जो प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करके विद्युत निर्माण करते हैं तो वो भी ठीक है, कोयले के हिसाब से देखा जाएगा तो ठीक है, लेकिन वो भी हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होता है। अब हम लोग अपने लेसन के हिसाब से आते हैं, पर्यावरण स्नेही ऊर्जा की अर्थात हरित ऊर्जा की दिशा में अगर हमको ये अपने पर्यावरण को बचाना है तो हम किस तरीके से करेंगे, तो हम देखो विद्युत निर्मिति के लिए अन्य ऐसे भी कुछ मार्ग अपनाए जाते हैं जिनमें ऊपर उल्लेखित समस्याएं उत्पन्न नहीं होती है, मतलब विद्युत निर्माण के लिए कुछ ऐसे भी रास्ते हैं जिसमें ऊपर जैसे कोयला है, प्राकृतिक गैस है, परमाणु है, उसका उपयोग नहीं किया जाता है, जल संचय द्वारा विद्युत निर्मिति, पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत निर्मिति, सौर ऊर्जा द्वारा विद्युत निर्मिति और जैविक ईंधन द्वारा विद्युत निर्मिति, कुछ ऐसे मार्गों का विद्युत निर्मिति हो सकती है, मतलब जो जल द्वारा विद्युत का निर्माण किया जाएगा, पवन द्वारा विद्युत का निर्माण किया जाएगा, सौर ऊर्जा मतलब सूर्य के द्वारा विद्युत निर्माण किया जाएगा, जैविक ईंधन के द्वारा विद्युत निर्माण किया जाएगा, ऐसे भी किया जा सकता है। इनमें उपयोग में लाए जाने वाले ऊर्जा स्रोत अर्थात जल संचय मतलब पानी, जल संचय, तेजी से बहने वाले पवन, सौर ऊर्जा के लिए सूर्य प्रकाश, जैविक ईंधन, ये कभी न समाप्त होने वाले सात स्रोत हैं। जैसे हम लोग ने कोयले का पड़ा समाप्त हो जाएगा, परमाणु का पड़ा समाप्त हो जाएगा, प्राकृतिक गैस का पड़ा समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो पानी है, पवन है, हवा है, सूर्य प्रकाश है और जैविक ईंधन, ये कभी न समाप्त होने वाले ईंधन है। इसके अलावा इनके द्वारा ऊपर उल्लेखित समस्याओं का निर्माण भी नहीं होता, और इसका इस्तेमाल करने पे क्या होता है कि हमारी जो भी वायु प्रदूषण की जो मनुष्य को खतरा था वो सब नहीं होता, अतः इस प्रकार से निर्मित ऊर्जा पर्यावरण स्नेही ऊर्जा कही जा सकती है, ये क्या है पर्यावरण के लिए लाभदायक होती है। इसे ही हम हरित ऊर्जा भी कह सकते हैं, कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, परमाणु ईंधन, इनके उपयोग से होने वाले खतरे पहचानते हुए आज विश्व में सभी जगहों पर पर्यावरणीय स्नेही अर्थात हरित ऊर्जा की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ पर्यावरणीय स्नेही ऊर्जा निर्मित पद्धतियां हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो आप लोग कि जो हम लोग जल से, हवा से, सूर्य प्रकाश से, जैविक ईंधन से, ये सब से जो करते हैं तो ये जो ऊर्जा निर्माण है, विद्युत निर्माण है, ये काफी हमारे पर्यावरण के लिए सही है, लेकिन जो कोयला है, प्राकृतिक गैस है, खनिज तेल है, परमाणु ईंधन है, इससे जो हम लोग विद्युत निर्माण करते हैं तो पर्यावरण के लिए सही नहीं है। तो आज पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में पर्यावरण स्नेही या बोल सकते हो हरित ऊर्जा की दिशा में कदम बढ़ाए जाए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जल के द्वारा किस तरीके से विद्युत निर्माण होता है, हवा के द्वारा कैसे होता है, सूर्य प्रकाश के द्वारा कैसे होता है, जैविक ईंधन के द्वारा तरीके से विद्युत निर्माण किया जाए।